हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 16 फरवरी 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर भी हम करेंगे। तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जो है प्रेस कर देना होगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। मैम आप लोग को पढ़ा रही हैं तो अगर आपको मैम का पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो खुल के जो है उनका समर्थन करिए, उनको अप्रिशिएट करिए ताकि उसी तरीके की अच्छे अच्छे वीडियो वो आपके लिए लाती रहें। तो शुरुआत करते हैं 16 फरवरी 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एयर इंडिया का नया CMD नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया CMD बनाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजीव बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये यहाँ पर अश्विनी लोहानी का स्थान लेंगे। अश्विनी लोहानी हो चुके हैं रिटायर और इनकी जगह पर अब राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में ऑपरेशन नकेल चलाया गया। ऑपरेशन नकेल अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में चलाया गया, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस ऑपरेशन के तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान कर उन्हें सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें 4 अंकों का एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। यह नंबर गाड़ी पर प्रिंट करवाना होगा। ये अगर गाड़ी है तो इसके आगे पीछे और सामने सब जगह, मतलब ये 4 नंबर का एक तरीके से कह सकते हो हेल्पलाइन नंबर की तरह काम करेगा। अगर यात्री को जो ऑटो रिक्शा में बैठा है उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। दिक्कत इन द सेंस अगर उसका किसी तरीके का शोषण किया जाता है ऑटो ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर चालक के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की कि निम्नलिखित में से किसे जीवन विज्ञान में योगदान देने के लिए जीनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड दिया जाएगा। जीनोम वैली एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे डॉक्टर कार्ल एच जून और डॉक्टर वास नरसिम्हन, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवार्ड वाली वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, काफ़ी लंबी वीडियो होगी वो, जिसमें हम लोग नोबल पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और भी कई अवार्ड जो है, ऑस्कर अवार्ड, सबके बारे में चर्चा करेंगे एक ही वीडियो में। पूरे के पूरे अवार्ड मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बहुत जल्दी वो वीडियो आएगी, उस पर काम चल रहा है। आप जानते हैं थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मेरे साथ, तो जल्दी ही जो है सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डॉक्टर एच कार्ल एच जून को इम्यूनोथेरेपी में उनके योगदान के लिए और डॉक्टर कार्ल एच जून और डॉक्टर नरसिम्हन को डिजिटल प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विज्ञान में दवा व्यवसाय में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये बेसिकली ये वाला यहां पर से ये वाला काट दीजिएगा। ये जो अवार्ड है बेसिकली ये इनको मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं में जो इन्होंने योगदान दिया है दोनों ने, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इनका नाम याद रखिएगा जो ये रेड कलर से मैंने लिखा है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ रिजर्व के आसपास स्थित कितने गाँव को इको सेंसिटिव जोन से बाहर करने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है यानी कि 36। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास जो 36 गाँव पड़ते हैं उनको ईको सेंसिटिव जोन से बाहर किया जाएगा। एक गाँव है ढेला गाँव, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, ये हमेशा ये कोशिश करता है कि हमारा जो गांव है वो इको सेंसिटिव जोन से बाहर आ जाए। कोई भी गांव अगर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर पेड़ काटने की मनाही होती है, जंगल में किसी तरीके का उत्खनन करने की मनाही होती है और भी कई पाबंदियां लगी होती हैं। तो अब जो है इको सेंसिटिव जोन से ये ढेला गाँव भी बाहर हो गया। फाइनली इनके धरना प्रदर्शन जो इन्होंने किए थे वो सफल हुआ और टोटल 36 गाँव
गांवों को बाहर करने की घोषणा कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, ये कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन ये कॉर्बेट सॉरी नेशनल पार्क है, ठीक है, भारत का सबसे नेशनल पुराना नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून, जिले हैं 13, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें कॉर्बेट के अलावा, तो कॉर्बेट के अलावा यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी, ये जो है ये सभी नेशनल पार्क यहीं पर पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे डेन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डेन डेविड पुरस्कार किसे दिया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गीता सेन को। गीता सेन को डेन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनकी जनसंख्या नीति, यौन स्वास्थ्य और महिला अधिकारों तथा गरीबी के क्षेत्र में इनके विस्तृत कार्य के लिए इनको दिया गया है। पुरस्कारों के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग से वीडियो बनेगी, तो कोशिश करेंगे कि ये वाला पॉइंट भी उसमें कवर हो जाएगा हमारा, तो आप एक ही वीडियो में सारे पुरस्कारों के बारे में जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा किशोर न्याय के लिए राज्य भर में किशोर गृह में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि महाराष्ट्र में। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किशोर न्याय के लिए राज्य भर में किशोर गृह में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह योजना आपके लिए, मैं जानकारी के लिए बता दूँ, कुछ मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये जो योजना है ये महाराष्ट्र के 560 से अधिक किशोर गृहों में होगी, जहाँ पर बच्चे रहते हैं, बाल कल्याण पुनर्वास केंद्र ये रहते हैं, पुनर्वास केंद्र हैं 560 से अधिक पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें 21,178 बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के लिए जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली किशोर न्याय के बेसिकली इनके न्याय वगैरह पुनर्वास के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां है कि फरवरी 2020 में नागपुर संतरे की पहली खेप नवी मुंबई से किस देश के लिए रवाना हुई है। बेसिकली नवी आपका जो नागपुर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है संतरों के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे। तो अभी रिसेंटली नागपुर के जो संतरे हैं उसकी जो पहली खेप है वो दुबई भेजी गई है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नागपुर में 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर संतरे की खेती की जाती है। 2018-2019 में 8,781 टन नारंगी का उत्पादन जो है नागपुर में किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ईयर एक्ट 1981 के लेखक कौन है। अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द ईयर एक्ट 1981 और इसके राइटर हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। तो ये हमें यहाँ से ज़रूर पता होना चाहिए, इसका नाम ध्यान रखिएगा, राइटर्स का नाम, बुक का नाम याद होना चाहिए आपको। इस पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। ये पुस्तक द ब्राइट लॉ हाउस के द्वारा प्रकाशित की जा रही है और इस पुस्तक में वायु प्रदूषण से निपटने के तरीकों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है हमारा कि 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केजरीवाल दिल्ली के कौन से भी मुख्यमंत्री हैं, कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी तक, तो टोटल 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पहला बार जो है लगभग 1 महीने का लगभग उनका कार्यकाल था, उसके बाद पूरा कार्यकाल जो है जो पिछला कार्यकाल उनका रहा है ये पूरा कार्यकाल था, और एक बार फिर से जो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी और 8 सीटें मिली थी बीजेपी को, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है एक बार फिर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसे गो ईयर का सीईओ बनाया गया है। गो ईयर एयरलाइन है, इसके सीईओ बनाए गए हैं अभी रिसेंटली विनय दुबे। तो याद रखिएगा, नई नियुक्ति है, नई नियुक्ति के लिए भी अलग से वीडियो बनेगी, तो उसमें आप ये कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फरवरी 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि कर दी है, यानी कि यहाँ पर सैलरी बढ़ चुकी है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी। ये जो नियम है ये 1 जनवरी 2020 से प्रभावी माना जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से जो है ये लागू माना जाएगा। तो जो पैसा अभी नहीं मिला है लोगों को वो भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस योजना का जो लाभ है वो करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है उड़ीसा के। उड़ीसा का राज्य पशु है सांबर हिरण, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। पक्षी है इंडियन रोलर, और अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दोनों ही जो है उड़ीसा में स्थित हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम सीमा क्या कर दी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 31 मार्च 2020। अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि 31 मार्च 2020 के बाद आपका जो पैन रहेगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया है कि दोनों को जो है आपस में अटैच कर दें, ये ऑनलाइन हो जा रहा आराम से, तो ये आप करवा सकते हैं। अभी तक 30.75 करोड़ से अधिक पैन कार्ड जो है एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं, मतलब पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं, जबकि 17.58 करोड़ पैन कार्ड जो है वो जोड़ना शेष रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। मैम ने आपको पढ़ाया था तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को वॉइस की दिक्कत लग रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था क्लियर, थोड़ा सा कई बार हो जा रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा दिक्कतें हैं। सब आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी के पढ़ाने के तरीके से किसी को, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो थोड़ा सा आप अप्रिशिएट किया करिए जब भी आपको कोई पढ़ाता है तो अच्छे के लिए ही पढ़ाता है। आपके लिए आज के प्रश्न की बात करते हैं, इन प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि फरवरी 2020 में किस शहर में काला घोड़ा उत्सव के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। आज रात में मैं लाइव रहूंगा आई थिंक 9 बजे के आसपास, क्योंकि 10 बजे काफ़ी देर हो जाती है, तो आप में से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे लाइव कब आना चाहिए, कौन से टाइम पे आना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे लाइव सेशन के लिए तो आप कमेंट करके मुझे पहले से ही बता दीजिए, ताकि मैं अच्छी तैयारी कर लूँ और एक आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला जो है आंसर दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।